वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के आयोजक 6 मेंबरी टीम के मनप्रीत सिंह ने बताया कि इस टूर्नामेंट में विभिन्न गांव की 14 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में नेकनवा गांव की टीम विजेता घोषित हुई और लालडू की टीम रनर अप रही। अम्बाला कैंट से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा और अमित तिवारी की रिपोर्ट। कि आप देख रहे हैं, आज हम पहुंचे हैं साहबपुरा गांव के अंदर। यहां पर साहबपुरा क्लब के नाम से एक टूर्नामेंट मैच होने जा रहा है, जिसमें इन्होंने अपने ग्रुप के बंदे हैं जिन्होंने ये मैच खेल रहे हैं। और इसका जो चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं हमारे पास यहां हैं मरकी सिंह जी, चलिए उनसे बात करें। यहां पर जो चीफ गेस्ट के तौर पर हैं साहबपुरा के, यहाँ से साहबपुरा गांव के अंदर ही, चलिए इनसे बात करें। एक खास मुलाकात आदरणीय मलकीत सिंह जी से। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल जी, नमस्कार सर। जरा टूर्नामेंट मैच हो रहा है, बारे की तुम थोड़ा दसोगे? टूर्नामेंट ही आज वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है, पहली बार हमारे गांव में हो रहा है। तो पहला दिन है आज से? पहला दिन है, पहली बार हुआ जी। ये बच्चों की इनकी, इन्होंने अपना क्लब बनाया है और अपने खर्चा फर्चा करके अपने आप ही कैसे कैसे इसको चला रहे हैं। आज अच्छी मेरे ख्याल 20-25 टीमें यहाँ पर आज वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेलेंगी और ये चल सकता है। इस क्लब का नाम क्या है जी? साहपुरा क्लब। इसके अंदर कितने मेंबर है जी जो इसको ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं? सारे 6 मेंबर है जी। 6 मेंबर है जी। तो आप ये पहली बार करवा रहे हैं जी? आप पहली बार जी, पहली बार करवा रहे हैं आप। और उसके बाद आप ये यहाँ पे कौन बाहर से भी कई टीमें आई हुई हैं आसपास के गांव से? बाहर से टीमें आई हैं जी हाँ। थोड़ा नाम बताएंगे जी? जैसे यहाँ लालडू से टीम आई थी, पंचकुले से और तिलखनी से आ रही है, खेलन से आ रही है, रतनेड़ी, सफेड़ा, नगड़ा, ये काफ़ी गाँव करनाल से भी एक टीम आ रही है। अच्छा, तो ये जो मैच है ये डे नाइट दोनों का है जी? डे नाइट चलेगा जी पूरा। तो यहाँ पे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इनके लिए सुविधा वगैरह सब उपलब्ध? खाने पीने का सब सुविधा हमने इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे। और लाइट वगैरह की व्यवस्था भी है? सारी व्यवस्था भी है जी, रात के लिए